नमस्कार, मैं प्रिया। आज 20 मई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा बीते दिन जारी किए गए तीसरे अपडेट तक 96 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 1519 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो जहानाबाद में 31, कटिहार में 13, अरवल में 3, बक्सर में 2, नवादा में 4, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 12, कैमूर में 7, समस्तीपुर में 2, शेखपुरा में 3, गया में 3, पटना में 2, मधेपुरा में 2, सुपौल में 3, भागलपुर में 3, जमुई में 1, सुपौल में 1 मामला सामने आया है। जहानाबाद में एक साथ कोविड 19 के मिले 30 मरीज। बिहार में लगातार कोविड 19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा जारी किए गए दूसरे अपडेट के अनुसार जहानाबाद में एक साथ कोविड 19 के 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रभावित क्षेत्रों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की है। साथ ही पाए गए मामलों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालने का आदेश भी जारी किया गया है। अलग अलग राज्य में फंसे लोगों के लिए बनेगा पास। बिहार में कोविड 19 का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बंद के माहौल में अलग अलग राज्य में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अलग अलग राज्य में फंसे लोगों को लाने के लिए पास बनाने का आदेश जारी कर दिया है। नए नियम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अन्य कारण विषय को जोड़ा गया है। इस अन्य कारण में बाहर फंसे लोगों को जानकारी देकर पास बनवाया जा सकता है। पहले पास बनवाने के लिए सिर्फ दो ही विकल्प मिलते थे, जिसमें से या तो इलाज के लिए या फिर किसी परिजन के दुनिया के अलविदा कह दिए जाने पर वैसे मामलों में ही पास मुहैया करवाया जाता था। पटना में बनाए गए दो नए कंटेनमेंट जोन। पटना में दो नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसके बाद पटना में कुल मिलाकर 19 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। खबरों की माने तो फुलवारी शरीफ में रानीपुर के जय हिंद कॉलोनी और दीघा के अदरा घाट जामा खारिज को नया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। खबरों की माने तो जय हिंद कॉलोनी में रहने वाले बीएमपी के एक जवान में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया। वहीं दीघा के इलाके में एक महिला कोविड 19 पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सुशील मोदी ने दी सफाई। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर राजनीति जोर शोर से शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सफाई देते हुए कहा है कि कोविड 19 के कारण राजस्व में हुई कमी की भरपाई के लिए अन्य राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि की है, जिसके तहत झारखंड में 2.5 रुपए, दिल्ली में 7.10 रुपए, पंजाब में 2 रुपए, तमिलनाडु में 3.25, ओडिशा में 3.11 रुपए, वहीं असम में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमत में सिर्फ 2 रुपए की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह भी बताया कि हर साल की भांति इस साल 43% पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री कम हुई है। इसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बिहार पुलिस में कार्यरत अच्छे रिकॉर्ड वाले कर्मियों को मिलेगी मनपसंद पोस्टिंग। बिहार में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस की ट्रेनिंग और तबादले को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत एक जिला में पोस्टिंग पा चुके पुलिस कर्मियों को फिर से उसी जगह पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में अब पुलिस कर्मियों की नियुक्ति दो बार एक जगह पर नहीं होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि अच्छे रिकॉर्ड वाले पुलिस कर्मियों को उनके मनपसंद पोस्टिंग भी दी जाएगी, लेकिन यह भी साफ कह दिया गया है कि गृह जिले में किसी भी पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग नहीं होगी। वहीं सभी पुलिस कर्मियों का परीक्षा को पास करने के लिए भी दो मौका दिया जाएगा। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जुटे बिहार के हजारों प्रवासी मजदूर। मुंबई में कोविड 19 लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को संभालना भी महाराष्ट्र की सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। बीते दिन एक बार फिर से बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर देखे गए थे। यह सभी बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होना चाहते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को वहां से खाली करवाया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुंबई में कोविड 19 का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 21,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर बिहार डीजीपी ने सभी को दी नसीहत। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण सरकार ने बंद के चौथे चरण का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सभी प्रदेशवासियों को आगाह भी किया है। उन्होंने कहा है कि बंद में मिली छूट का बेवजह इस्तेमाल कोई भी ना करे। प्रदेशवासियों से अपील है कि 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ही अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी करें और इसके बाद घर से बाहर ना निकले, और कोशिश करें कि आप अपने घर के आसपास के दुकानों से ही सामान लें। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की तैनाती के लिए बदले गए नियम। बिहार में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है। सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 2 पद को घटा दिया है। पहले एक प्राधान्याध्यापक के अलावा 8 पद सृजित किए जाते थे, अब नए मानक के तहत 6 पद सृजित किए गए हैं। किए गए बदलाव के तहत शिक्षक जन विद्यालय में ही उनका तबादला उनके ही नियोजन इकाई में जरूरत वाले विद्यालय में होगा। खबरों की माने तो पहले कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक माध्यमिक कक्षाएं संचालित होती थी, इसलिए शिक्षकों के मानकों में बदलाव किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, भारत सरकार भी अब अपना रही है बिहार के ऊर्जा मॉडल को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में रिफॉर्म करने जा रही है, जबकि बिहार सरकार ने बहुत पहले ही ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल और प्रयोग किए हैं। केंद्र सरकार बिहार के इस मॉडल को अपना रही है, यह जानकर खुशी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर जोर दिया जाए, ताकि बंद के दौरान छात्रों का समय बर्बाद न हो और छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके। बिहार के 4 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बिहार पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। उन्हें कनीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है, जिसमें प्रांतोष कुमार दास, मोहम्मद अब्दुल्ला, विनोद कुमार, अभय कुमार लाल का नाम शामिल है, जिसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह भी साफ कर दिया है कि इन प्रमोशन का वर्तमान पद स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में आने वाले 72 घंटे में बारिश की जताई गई संभावना। भारत की तरफ चक्रवाती तूफान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अगले 72 घंटे में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत अभी से लेकर 22 मई के बीच तूफान का असर देखने का अनुमान जताया गया है, जिस दौरान तेज हवा के साथ साथ बारिश और कई जगह पर बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि बिहार में चक्रवाती तूफान का असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मगर कुछ जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा की गई जान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक गैंडा की जान चली गई है, जिसकी खबर के बाद वन विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर गैंडा की जान कैसे गई है। स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्हें इस बात का शक है कि किसी और कारण से गैंडा की जान तो नहीं गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, टाइगर रिजर्व में आमतौर पर गैंडा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नेपाल में हर साल बाढ़ के दौरान कई गैंडा आ जाते हैं, इस इलाके में रहते हैं। आमतौर पर इस इलाके में आए गैंडा को मेहमान जानवर भी कहा जाता है। पटना हाईकोर्ट में नहीं मिलेगी इस बार गर्मियों की छुट्टियां। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण पूरा काम अस्त व्यस्त है, वहीं कई दिनों से सभी काम भी बंद पड़े हैं और यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट में भी इस बार गर्मी की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट में 24 मई से 21 जून के बीच गर्मी की छुट्टी होनी थी, लेकिन अब यह नहीं होगी, जिसकी जानकारी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। वहीं फिलहाल सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का आदेश भी जारी किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में भी सड़कों पर उतरे नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा वेतन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला सुनाते हुए लॉकडाउन पीरियड का भी वेतन जारी करने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि बंद की अवधि का वेतन भुगतान सभी शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि कोविड-19 की वजह से सभी शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार बंद की अवधि में एक संस्थान में कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। बिहार में अब ऑटो रिक्शा चलाने का भी जारी किया गया ऐलान। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा की सेवा शुरू करने का भी ऐलान जारी कर दिया गया है। खबरों की माने तो बिहार सरकार ने ऑड और इवन की तर्ज पर इन सभी सार्वजनिक गाड़ियों के परिचालन की अनुमति दे दी है। बीते दिन अधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। सभी जिलों के डीएम और एसपी अपने इलाके में इसके आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे, इस बात का भी जानकारी साझा की गई है, जिसके बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को और पुलिस अधीक्षक को अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में सार्वजनिक वाहनों के परिचालन की अनुमति रोक दी गई थी। बिहार में पूरे देश की आधी आबादी से ज्यादा डॉल्फिन है मौजूद। बिहार के गंगा नदी में आधिकारिक तौर पर डॉल्फिन 1801 में खोजी गई थी, जिसके बाद डॉल्फिन हमारे राष्ट्रीय जलीय जानवर में शामिल हो गई है। डॉल्फिन मुख्य रूप से साफ पानी में रहती है और आंखों के रूप में छोटे साथ व्यवहारिक रूप से अंधी होती है। हालांकि डॉल्फिन के संख्या कम होने के कगार पर है, जिसकी जानकारी जल संसाधन विभाग ने जारी की है, जिसके तहत विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार डॉल्फिन के मामले में आधे से ज्यादा आबादी की डॉल्फिन बिहार में ही है। वहीं ट्विटर पर विभाग द्वारा जानकारी को जारी करने के बाद कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। बंद के बीच सभी शिक्षकों को स्कूल में रहने का जारी किया गया आदेश। लॉकडाउन के बीच शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को अपने अपने स्कूल में मौजूद रहने का आदेश जारी किया है। यदि अपने स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो वहां उन्हें संचालन व्यवस्था में अपना सहयोग देना होगा, जिसके तहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी जिला अधिकारियों और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य के करीब 6,000 स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर अब तक बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया, मास्क बनाकर जीविका दीदी कर रही है लाखों की कमाई। कोविड-19 के बीच जीविका दीदी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत काफी लंबे समय तक इन लोगों ने राज्य भर में मास्क बनाने का काम किया है और अब तक कई लाख मास्क का वितरण भी कर दिया है, जिस पर कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि अभी तक जीविका दीदियों ने करीब 30 लाख मास्क का निर्माण किया है, जिसकी बिक्री में तकरीबन 4,33,00,000 रुपए का कारोबार हुआ है, जिसके बाद जीविका ने ग्राम संगठनों से गरीब परिवारों को जीविकोपार्जन
योजना के तहत 2000 की एकमुश्त राशि देने का निर्णय लिया था। अभी तक 36,120 से अधिक चयनित परिवारों को यह राशि भुगतान कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रवण कुमार ने यह भी बताया है कि जीविका दीदी राशन और घर घर जाकर सब्जी बेचने का काम भी कर रही है। गया से बंद के बीच फंसे 99 नागरिकों को भेजा गया वियतनाम। कोविड-19 लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। वहीं सरकार ने भी बंद की अवधि में 31 मई तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद रेल, सड़क एवं वायु मार्ग के सामान्य परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं विशेष परिस्थिति में भारत सरकार की अनुमति से रेल, बस और हवाई जहाज का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में वियतनाम सरकार के आग्रह के बाद भारत सरकार ने उनके नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया बीते दिन की है, जिसके बाद बिहार के बोधगया एवं नालंदा के साथ ही पश्चिम बंगाल में फंसे 99 वियतनाम के नागरिकों को गया एयरपोर्ट से इंडिगो के विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया है, जहां से यात्रियों के साथ विशेष विमान से वियतनाम के लिए होंगे। महागठबंधन दल की गैर मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी के बीच हुई बैठक। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। वहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। जहां एक तरफ चुनाव को करीब आता देख राजद अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगा हुआ है, तो वहीं महागठबंधन के तीनों दल राजद को ही किनारा करने में जुटे हुए हैं। तीनों दलों के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने महागठबंधन की गैर मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया था, जिसमें राजद और कांग्रेस के एक भी नेता मौजूद नहीं थे। खबरों की माने तो इन तीनों नेताओं की बैठक वीआईपी कार्यालय में हुई थी, जहां पर जानकारों की माने तो इन दलों के बीच में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई होगी। साथ ही राजद के व्यवहार पर भी विचार विमर्श किया गया होगा। लॉकडाउन के बीच चुनावी तैयारियों में जुटा राजद। कोविड-19 की वजह से पूरे देश में बंद का माहौल है। वहीं इसी बीच इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। ऐसे में राजद ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से बीते दिन पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात की है। खबरों की माने तो जिला अध्यक्षों को बाहर से आ रहे मजदूरों की परेशानी पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही बूथ कमेटी बनाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी अधिकारियों को क्वारंटाइन सेंटर पर भी नजर बनाए रखने की अपील की है। परीक्षा केंद्रों पर अब पहले के मुकाबले आधे छात्रों को मिलेगी बैठने की अनुमति। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन जुलाई महीने में करवाने जा रहा है, जिसके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। वहीं सरकार ने परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने का भी ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भारद्वाज ने डेट शीट के साथ साथ निर्देश जारी करते हुए यह कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, और यही कारण है कि केंद्र में पहले के मुकाबले आधे ही छात्रों को बैठने की अनुमति होगी, बाकी बचे छात्र दूसरे कमरे में परीक्षा देंगे। वहीं इस बाबत मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी जानकारी साझा कर दी है। वनडे में दोहरा शतक लगाने पर रोहित शर्मा ने की अपनी प्रतिक्रिया। वनडे T20 क्रिकेट में टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा ने रविचंद्र अश्विन के साथ लाइव चैट के दौरान कई अहम बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरी शतक लगाएंगे। वह तो बस उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना चाहते थे। आपको बता दें, साल 2013 में भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा था। उस मैच में रोहित शर्मा ने 158 गेंदों में 16 छक्के और 12 चौके की मदद से ताबड़तोड़ 209 रन बना डाले थे, जिसकी बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 57 रनों से हरा दिया था। IIIT के सॉफ्टवेयर को अब स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा अपडेट। कोविड-19 की जांच के लिए भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर को अब स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम अपडेट करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने IIIT के निदेशक अरविंद चौबे और वैज्ञानियों के साथ बैठक की है, जिसमें सॉफ्टवेयर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसके बाद मंत्री ने कहा है कि सॉफ्टवेयर को मानक पर पूरी तरह खड़ा उतरने के लिए संस्थान को इंडियन कल्चर के मरीजों का डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तकनीकी टीम भी अब इसके लिए काम करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, IIIT भागलपुर के एक वैज्ञानिक संदीप राज द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसमें कोविड-19 की जांच होती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है सुनील कुमार, आनंद कुमार, राजू कुमार, नील उस्मानी, सुधीर कुमार, दारा सिंह, विकास कुमार, ज्योतिष कुमार, गोपाल साह, विपुल तिवारी, राजकुमार एंटरटेनमेंट, दिव्य ज्योति, राजेश सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, लॉकडाउन के चौथे फेज में सरकार द्वारा जारी किए गए छूट के अलावा आपके अनुसार कौन कौन सी जरूरी छूट और मिलने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।